साथियों, भरतपुर उसका शौर्य कोई पल ऐसा नहीं है, कोई काल ऐसा नहीं है जब यहां की वीरता देश को काम न आई हो। लेकिन भाइयों बहनों, ये नामदार और उनकी पार्टी और उनके राजदरबारी लोग न जाने कैसे कैसे वीरों का अपमान करते हैं। हम सबको पता है लोकतंत्र, चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, हर नागरिक उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने के लिए हर कोई अपना योगदान देता है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा था, चुनाव के गाजे बाजे चल रहे थे, उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र के गौरव के लिए जो जवान सेवा में रत थे, उसमें एक हमारे भरतपुर का जवान भी था। माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने पीठ पर गांव करके चोरी छुपी से हमारे इस भरतपुर के जवान को लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सामान्य मानवी की जिंदगी के लिए जान की बाजी लगा दी, उसने शहादत स्वीकार कर ली। अभी तो पिछले महीने की बात है, भरतपुर के नौजवान का शहीद होना और उसको मौत के घाट उतारने वाले माओवादी, नक्सलवादी, ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी, उनके खासम खास, उनके राज्यसभा के मेंबर बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी ये तो क्रांतिकारी है। भाइयों बहनों, राजस्थान के वीर सपूत का, भरतपुर की धरती के बेटे का, उसके हत्यारों को क्रांतिकारी कहने वाले इस नामदार को हम माफ कर सकते हैं क्या? उनकी पार्टी को माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में हिसाब चुकता करोगे क्या? इस एक बात पर, ये भरतपुर की धरती तो वीरों की धरती है, 13-13 बार अंग्रेजों की सल्तनत को सर झुका के जाना पड़ा था, ये धरती की संतान भरतपुर के लाल की इज्जत के खातिर आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दीजिए। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या वोट की राजनीति इतनी गिरी हुई है कि आप इस प्रकार की भाषा बोले, शहीदों का अपमान करें? उस परिवार पर क्या बीती होगी? और कांग्रेस के नामदार को इसका जरा भी दुख नहीं है? उनको तो लग रहा है हाँ, ये सब बोलते हैं अच्छा ही है, वोट मिल जाएगा।
भाइयों बहनों, ऐसी वोट की राजनीति देश का भला नहीं कर सकती है। ऐसी सोच वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते।